हम लोग बात करेंगे जो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में मनाए जाते हैं दिवस के रूप में, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सभी को जान लेनी चाहिए। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। 4 से 5 साल मिनिमम, 4 से 5 साल के जो पुराने पेपर हैं उस परीक्षा के, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये दोनों आपके जहाँ भी टेबल पर आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ रखे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिए, आप लोग स्थायी आंकड़े और अस्थायी आंकड़े आप लोग हमेशा याद रखिए। स्थायी का मतलब ये होता है कि स्थायी, जो बदलने वाले नहीं आगे, और अस्थायी का मतलब ये होता है कि करेंट अफेयर्स से जुड़े रहेंगे तो वो भी अपडेट होते रहेंगे। तो जो भी थीम रहती है उसके लिए आप लोग करेंट से जुड़े रहिए। और इसमें आज हम लोग बात कर लेंगे जो स्थायी आंकड़े हैं उन्हें देख लेते हैं। और वैसे हम लोग करेंट में बात करते रहते हैं ना, जब भी करेंट पढ़ते हैं उसमें हम लोग बात करते रहते हैं। वो जो अभी 2020 का है, इसकी अभी मार्केट जाऊंगा और देखूंगा, टाइम मिलता है तो मैं उसे भी, आपका करेंट भी 2020 का और कुछ महीने 2019 का भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। और ये सभी आपके दिन जो भी हैं, सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, इनमें तो आपके पूछे ही लिए जाते हैं, सम्मिलित करने के लिए दे दिए जाते हैं, या फिर सही जोड़ियां एक तरह से बनाने के लिए। वन डे एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। और यहाँ वन डे एग्जाम कहने का मतलब मेरा क्या होता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, दरोगा, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, टीचर भर्ती हो आपकी, चाहे कोई कोई भी इस तरह के एग्जाम जो आपके वन डे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन और दिवस आप सभी को मालूम होने चाहिए कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नव वर्ष का प्रथम दिन होता है आपका 1 जनवरी। 1 जनवरी को आप लोग वैश्विक परिवार दिवस भी मनाते हैं। पूछेगा आपसे कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे वैश्विक परिवार दिवस। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे नीचे, या फिर आपसे पूछे कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 1 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व बैल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बैल दिवस मनाया जाना प्रस्तावित किया था। ब्रेल लिपि के आविष्कार सर लुईस बेल फ्रांस के जन्मदिन के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि 4 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह के भी याद रखिए, इनसे जो जुड़े प्रमुख तत्व होते हैं उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस महासभा ने इसे मनाने की घोषणा की थी एक तरह से 4 जनवरी को, ठीक है। किसकी याद में मनाया जाता है, जिन्हें ब्रेल लिपि की आविष्कार किया था सर लुईस बेल ने फ्रांस के, इन्हीं के जन्मदिन की उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। युद्ध में जिन बच्चों के माता पिता शहीद हो गए हैं उन बच्चों के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 6 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले नागरिकों को भारत देश प्रेम बनाए रखने हेतु यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस आप देखेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। विश्व में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, याद रखिए। एक विश्व भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 10 जनवरी 1975 को पहला ही विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ था, जिसके उद्देश्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि 14 सितंबर को आप लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो आपसे पूछे अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 14 सितंबर। और अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। कंफ्यूज मत होना, गलत कर मत कर देना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर, और विश्व स्तर पर आपका है 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को आप लोग एक और दिवस मनाते हैं, विश्व हास्य दिवस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हंसना भी जरूरी है, इस उद्देश्य के लिए यह हास्य दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। और वैसे भी ये तो आपको सामान्य जानकारी के लिए भी याद रखना चाहिए।
लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी में को देश में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 12 जनवरी। किसकी मतलब किसके लिए मनाया जाता है तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है इसे। कब इसकी घोषणा की गई थी, भारत सरकार ने कब की थी इसकी घोषणा, तो आप 84 में, 1984 में। लेकिन एक पहली बार कब मनाया गया था, 12 जनवरी 1985 को। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए। आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो 4 से 5 साल, 6 साल के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आप एक अंदाजा लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आप अच्छे से बेहतर स्कोर भी कर पाते हैं। तो ये देखिए, मुझे इस टाइम मुझे लगता है कि आपको कोचिंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास बेहतर रणनीति है अगर, और आपको आपका अपने आप पर कंट्रोल है, तो आप मुझे लगता है कि आप अच्छे से कोई भी नौकरी अच्छे से पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या देखा जाता है कि आप देख रहे होते हैं कुछ, मतलब देख रहे होते हैं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मालूम चला कि मूवी देखने निकल गए, समझ रहे हैं, या फेसबुक पर लग गए तो 2-4 घंटे उस पर बिता दिए। तो एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि मतलब कितना टाइम कहाँ गुजारना, और ये अधिकतर लोगों में नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आप देखेंगे 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि भारतीय सेना के पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण 15 जनवरी 1949 को किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। थल सेना दिवस भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी नौ सैनिकों सभी सैनिकों को सलाम करने को चिन्हित करते हैं, यानी कि उनके सम्मान में। एक तरह से हर साल अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर थल सेना दिवस का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, थल सेना कब दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गोवा ओपिनियन मतदान दिवस। ठीक है, हर साल देखेंगे कि 16 जनवरी को गोवा ओपिनियन मतदान दिवस गोवा में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1967 में मतदान के द्वारा गोवा के लोगों को महाराष्ट्र में विलय ना करने की मतदान को चिन्हित करते करते करने हेतु मनाया जाता है। इसके बाद 1987 में गोवा भारतीय संघ के अंदर एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग जाते हैं यहाँ घूमने के लिए भी तो जाते हैं, आप लोग मस्ती करने के लिए, तो ये वही गोवा है। ठीक है, 18 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 18 जनवरी को। पोलियो रोग जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक है, आप बचपन में पोलियो टीका भी तो लगवाते थे। महाराणा प्रताप पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 19 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मेघालय स्थापना दिवस। मेघालय स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 21 जनवरी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुभारंभ दिन है कौन सा, यह है 22 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन ये शुरू हुआ था। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा यह अभियान शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। यहाँ आपको पूरा नाम भी मालूम चल गया है प्रधानमंत्री साहब का, वरना आप लोग इतना ही नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। भारत देश के संदर्भ में राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस आयोजित किया जाता है। और 23 फिर आपका सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस कब होता है इनका, 23 जनवरी को। तो राष्ट्रीय देश प्रेम दिवस भी आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी 23 जनवरी को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। भारत में बालिकाओं का लिंगानुपात बहुत कम है और एक ऐसा राज्य जहां बालिकाओं का लिंगानुपात अधिक है वह है केरल। केरल के बारे में हर पॉइंट में आप लोग देखिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, साक्षरता के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, या किसी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ले लीजिए, आप देखते हैं कि इंडेक्स आपके देश में आते हैं उसमें से आप राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर वन पर केरल रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अन्य देशों में, अन्य राज्यों में आप देखते थे कि चुनाव होता था जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर, समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उस समय केरल में आपका चुनाव होता था शिक्षा के मामले पर, स्वास्थ्य के मामले पर, समझ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति, इस तरह के मुद्दे। और आप जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे अगर चुनाव में उठाए जाएं तो वो राज्य ही नहीं, देश में भी अगर उठाए जाते हैं तो देश भी तरक्की करेगा, आगे जाएगा। शिक्षा, आप सोचिए, शिक्षा मिली तो आप सोचिए, अगर शिक्षा स्वास्थ्य मिल गया किसी व्यक्ति को, वो तो खुद आगे निकल जाएगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा बेहतर, और देश की तरक्की में भी योगदान करेगा, ठीक है। तो केरल इस मामले में सबसे आगे है। बालिकाओं का लिंगानुपात अधिक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार 24 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने आयोजित किया था। तो याद रखिए, पहली बार ये 24 जनवरी 2008 को। राष्ट्रीय बालिका दिवस केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बालिका विकास मिशन के रूप में शुरुआत किया था। देश में बालिकाओं के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए यह अवसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के दिन केंद्र व राज्य सरकार बाल विवाह अधिनियम का निषेध 2006, दहेज निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम 2009 के प्रति जनता में जानकारी फैलाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है, यानी कि जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरह से, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारतीय आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को गजट अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को एक राज्य का दर्जा भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। यह दिवस संपूर्ण उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। भारत गणतंत्र देश है जिसमें मतदाता मतदान करके सरकार को चुनता है। मतदाताओं को मतदान कर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, एक तरह से एक जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाताओं में इस दिवस को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट याद रखिए, आप लोग जाया करिएगा वोट देने, भली आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है नोटा पर दिया करिए, लेकिन जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। एक बात और यहाँ बता दूं आप लोगों को कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है आपका पर्यटन, समझ रहे हैं, ये कई क्षेत्रों में रोजगार भी देती है। अगर आप ही सोचिए कि आप अगर आगरा घूमने जाते हैं, वहां रुकते हैं, तो वहां की होटलों में जो काम करने वाले हैं, होटलों का काम चलेगा, और जो आप जाएंगे आएंगे कोई गाइड करेगा आपको, उनका भी एक तरह से काम धंधा चलेगा, और भी इससे जुड़े जो भी लोग रहते हैं उन सभी की नौकरी रहती है इससे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। भारत में इस दिन संविधान लागू हुआ था। देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर है, कई छात्रों ने मैं कई बार पूछा है, यही नहीं हर जगह पूछते हैं कि गणतंत्र और कई जो मालूम नहीं होता। देखिए, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, हम सभी लोग यही सीखते हैं, इसलिए शर्म मत रखा करिएगा, सीधी बात, आपको जो नहीं आ रहा है आप पूछ लिया करिएगा, ठीक। तो आपको बता दें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में। स्वतंत्रता दिवस आप जानते हैं स्वतंत्र कब हुए हम लोग, 15 अगस्त 1947 को। तो उसी के उपलक्ष्य में आप कहिए कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी भारत को हम लोग भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना, समझ रहे हैं आप। वैसे जानते हैं कि 26 नवंबर
1949 को आपका संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो चुके थे, लेकिन पूरी तरह से आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपसे अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 27 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 27 जनवरी को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा आयोजित किया गया है और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान हुए मानवीय त्रासदियों की याद में विश्व होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाए जाने वाले विश्व स्तरीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 में अपने संकल्प 67 के द्वारा अपनाया था। हर साल 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है और 27 जनवरी 1945 को रेड आर्मी ने नाजियों के सबसे बड़े मृत्यु से पर ऑसविट्स बर्कनेउ पोलैंड को आजादी भी दिलाई थी। एक बात और आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 के बीच चला था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध आप देखते हैं कि 1939 से और आपका 45 तक चलता है। 45 में आप देखते हैं कि जैसे ही जापान पर परमाणु बम गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, तो उसके बाद इसे रोक दिया जा खत्म हो जाता है उसी के साथ। ठीक है, लगभग आपसे अगर पूछे लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई जाती है, जयंती दिवस, तो 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को। अगर आपसे पूछे कि डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, डेटा संरक्षण दिवस, तो ये 28 जनवरी को। आजकल इंटरनेट के दौर लोगों में डेटा के प्रति संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कई छात्रों ने पूछा है कि सर डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा किस लिए जरूरी होता है, तो याद रखिए डेटा का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी जो भी सूचना है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप किसी से चैट कर रहे हैं, आजकल होता है नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कहीं भी चैट कर रहे हैं, मान लीजिए वो डेटा कोई चुरा ले तो आप देखते हैं किसी और के पास पहुंच जाए, हो सकता है कि इतना जरूरी हो कि आपकी जान भी उससे जा सकती है। देखा गया है इस तरह का मामला, ऐसे कई मामले देखे जाते हैं, तो आप बड़े सचेत होकर रह करिएगा। आपकी पर्सनल जानकारी कोई भी इस तरह से चुरा ले तो आपको खतरा भी हो सकता है। तो आप लोग जैसे एटीएम का आप देखिए पिन नंबर या एटीएम कार्ड नंबर, इस तरह की जो भी आपकी जानकारी होती है वही डेटा एक तरह से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। भारत माँ के शहीद पुत्रों को याद रखने व श्रद्धांजलि देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। हर साल 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या भी की थी। भारत में हर साल 30 जनवरी को 11 बजे भारतीय शहीदों की यात्रा में याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछे कि अगर महात्मा गांधी पुण्यतिथि 30 जनवरी को, 30 जनवरी को, ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। ठीक है, और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, ये 31 जनवरी को। ठीक है, जनवरी प्रथम सोमवार आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपके कई बार पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिन कब मनाया जाता है, जनवरी प्रथम सोमवार, यानी कि जनवरी जनवरी महीने का पहला जो सोमवार होता है उस दिन मनाया जाता है। हर रोज सड़क दुर्घटना बढ़ रही है, इन्हें कम करने के लिए साप्ताहिक दिवस का आयोजन किया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए तरह से। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ जनवरी के महत्वपूर्ण दिन जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछते रहते हैं हर समय परीक्षाओं में, तो अच्छे से इन्हें रट लीजिए। एक तरह से ये स्थायी आंकड़े, ये कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी जो थीमें रहती हैं कई की वो बदलती रहती हैं, तो उसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए। ठीक है,